सो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपको मेरे न्यू वीडियो में। सो गाइस आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ अपने न्यू कॉलेज सेंट। गाइस आपको बताऊंगा मैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। सो गाइस हम निकलेंगे दोपहर के 2 बजे, अभी 11:30 के आसपास टाइम हुआ है। सो बने रहिए आज के ब्लॉग में। एंड गाइस थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ मैं, क्योंकि न्यू कॉलेज है एंड अब पता नहीं क्या होगा उसमें, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। सो यहाँ पे गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर से एंड आप देख ही सकते हो मेरा आसपास का इलाका भी, मैं कार में बैठा हूँ। सो हाय गाइस, काफ़ी लेट हो गया, मतलब पूरा दिन निकल गया, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला। एंड गाइस मतलब मैं अभी हॉस्टल गया था, मैंने उसमें मतलब अपना जो भी सामान जो भी कुछ है मैंने शिफ्ट किया। एंड देन उसके बाद गाइस अभी मैं अपने भाई के रूम में आया हूँ। सो आपको रूम दिखाता हूँ, ये आगे किचन है, ये एक रूम है और एक ये वाला रूम है। आज की रात मतलब मैं इसी रूम में रहूँगा एंड आज के बाद मतलब जब कॉलेज जाएंगे तब आपको बताऊँगा कल कैसा रहता है कॉलेज का पहला दिन। एंड हॉस्टल भी रहूँगा, फिर वो हॉस्टल भी दिखाऊंगा आपको कैसे मैं। सो तो क्लीन बाय बाय गाइस। सो अभी गाइस हम सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं नीचे मेरे साथ पीयूष भैया एंड अभी हम सब्जी लेने के लिए जाएंगे जो रात को हमने बनाना है। सो अभी आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ है इधर, आप सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। नवरात्रि लगे हुए हैं, सो इसकी वजह से ना मतलब काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं एंड इतनी ज़्यादा भीड़ है, सड़क को क्रॉस करना मुश्किल हो जा रहा है। ये देखो गाइस कितनी भीड़ है इधर, देखो गाइस अपनी गाय माता। एंड ये देखो गाइस यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह की हैं और ये मेरी साइड ही आ रही है और भीड़ अभी थोड़ा भीड़ वाले इलाके से अलग जगह आ गए हैं तो मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। एंड ये देखो पुलिस स्टेशन की क्या है गाइस। सो गाइस सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुका हूँ एंड अभी जाऊँगा कॉलेज। सो अभी यहाँ से खाना वगैरह खा के निकलते हैं, फिर उसके बाद रेडी होंगे, फिर गाइस कॉलेज जाऊँगा तो आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है उधर। एंड बने रहिए साथ में। सो गाइस अभी मैं कॉलेज में आ चुका हूँ और क्लास स्टार्ट होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। सो अभी मैं जाके रेडी होऊंगा जल्दी जल्दी। तो गाइस यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी मतलब सुबह का टाइम है, 9 बजे हैं और पहला भी टीचर आया नहीं है। सो मेरे साथ अविनाश है एंड गाइस अभी मतलब सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास में एंड अभी कैसे टीचर आएंगे क्या पढ़ाएंगे वो देखते हैं अभी। सो बने रहिए गाइस। ये देखो गाइस कितने सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास ख़त्म हो चुकी है मेरी एंड अभी एक टीचर आके चला गया एंड उसके बाद अब सेकेंड कौन आएगा देखते हैं, फिर उसके बाद कौन सी क्लास है हमारी। गाइस मज़ा आया पहली क्लास में, मतलब टीचर ने बताया कि यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है ये वो, ज़्यादा सुना नहीं ढंग से। एंड वो गाइस अभी यहाँ पे हमारी 2 क्लासेस ख़त्म हुई हैं, टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं एंड 11:15 तक हमारी ब्रेक चलेगी। सो ब्रेक में गाइस हम थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे आए थे पीछे की साइड एंड गाइस आप देख ही सकते हो एकदम खुला ग्राउंड है, फिर पीछे आप ये वॉलीबॉल का कोर्ट मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ एक मिनट। एंड इधर अभी गाइस ये ख़त्म हुआ है। सो अगली क्लास कौन सी होती है कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या चलेगा कि क्या बनेगा। एंड वाला फुटबॉल का कोर्ट है देख सकते हो आप एंड इधर वॉलीबॉल का है एंड इधर बास्केटबॉल का है। गाइस अभी हमारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लास लगी थी एंड अभी सर पढ़ा के गए हैं, मतलब अभी दोबारा आएंगे, बोलते मुझे कुछ काम है। इस क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास। तो गाइस यहाँ पे मैस और खाना खा लिया है मैंने एंड देख सकते हो मैस अभी मतलब कॉलेज से छुट्टी हुई है, टाइम हो गया 4 बज के। ठीक है गाइस मेरे साथ मेरा रूममेट चंकित एंड गाइस यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है, अभी रूम में जा रहे अपने दोबारा। एंड अभी गाइस रूम में जाने के बाद गाइस हमें थोड़ा सामान लेना है बाज़ार से, सो बाज़ार जाएंगे। एंड गाइस काफ़ी मज़ा आया मतलब इस आज। सो गाइस ये मेरा रूम एंड ये वाला मेरा बेड है, इसमें मेरा पर्सनल सामान है, ये मेरा सामान वगैरह, वो बालकनी ये गर्ल्स हॉस्टल सामने, मैं जो इस रूम में रह के गए लड़के उन्होंने क्या क्या मतलब यहाँ पे बनाया, इंस्टाडी दी अपनी। एंड ये देखो एनीमे का करेक्टर एंड ये भी कुछ है इंस्टा वगैरह। सो गाइस मज़ा आया मतलब कॉलेज में पहला दिन जाके एंड यहाँ पे खाना वगैरह भी लगभग ठीक ही था, तो यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। एंड गाइस अभी हम जा रहे हैं ज़रा बाज़ार सामान लेने के लिए कुछ, वो भी हॉस्टल का खाना, सारे रात हो चुकी है एंड 8:30 के आसपास बज चुके हैं एंड यहाँ पे सारे मतलब खाना खा रहे हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे मतलब हमारा
ये शीशा एंड काफी डरावना है यहाँ से, पता नहीं क्या फेंका इधर। सो गाइस अभी आपको मैं बाहर जाके दिखाऊंगा। गाइस रात को अभी मतलब लाइट्स वगैरह जगी रहती है मेरे ख्याल से, सो लाइट्स वगैरह तो जगी हुई है सारी एंड रात का थोड़ा माहौल शांत मतलब जाओ ही गाइस। देखो कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा गाइस, कुछ दिखेगा तो मुझे बताना। एंड के ऊपर सीढ़ियाँ, यहाँ पे भी टॉयलेट वगैरह है आई थिंक। आगे तो कहीं जाना आ रहा, डर लग रहा है यार मुड़ जाते हैं। एंड देखो नीचे और ऊपर भी देख ही लो गाइस, वापस चलते हैं अपने रूम की साइड। कैमरा है ना एकदम, और ये अपना रूम, यहाँ पे एक सोया हुआ है, ये मेरा बेड है, ये इसका बेड है। एंड ये तो आपको दिखाई दिया था सब कुछ मैंने। बस कॉलेज ब्लॉग में बस इतना ही, एंड होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो गाइस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड तो तब तक के लिए वेट करना, नेक्स्ट न्यू ब्लॉग आएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, मतलब कि अंधेरे में अपना रूम कैसा लगता है, एंड थोड़ा बाहर का भी आपको दिखाता हूँ। मैंने पता यार लाइट बड़ी आ रही है उधर से, सो मैंने आपको बताया नहीं था, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो अभी अपना स्टडी टेबल का लैंप, ठीक है, मतलब ट्यूबलाइट जो भी है। एंड अभी मैं इसको बंद करता हूँ और अभी आपको बाहर का दिखाता हूँ, दिख रहा एकदम। देखो भाई मेरे एयरपोर्ट्स जग रहे हैं बस, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, जस्ट बाहर आपका गर्ल्स हॉस्टल दिख रहा होगा, भूत बंगला एकदम। एंड कुछ नहीं है, एकदम अंधेरा ही अंधेरा। एक भाई अपना सो चुका है, एंड कई लाइट से कही देखता हूँ। सो जाओ, अब क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड गाइस देख लिया आपने मेरा मतलब पहला दिन इस कॉलेज का, हॉस्टल का। एंड अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, एंड चलो भाई सो जाओ।